Hey guys, and welcome back to my channel. For today's video, you guys have been requesting for so long for me to do a tutorial, like a makeup tutorial in Urdu. You guys have actually asked for a hair tutorial as well, but today I don't have time to do both together, so I am just gonna do a makeup tutorial in Urdu, and this will be the makeup look. For those of you that don't speak Urdu or Hindi, I will leave little titles down below telling you guys what products and stuff I'm using, so hopefully you guys can catch on to that. But in this video, I'm gonna start speaking in Urdu throughout the video in 3, 2, 1. Chalo shuru karte hain. Okay, तो आज के वीडियो में आप सब ने रिक्वेस्ट किया तो हमने पेश लाया पता नहीं अगर मैं सही लव्स यूज कर रही हूँ या नहीं, मगर आप लोग कह रहे थे कि आप लोग को एक वीडियो चाहिए जो आपको सिखाएगा उर्दू में मेकअप कैसा करते हैं. आज का मेकअप वाला लुक ये वाला होगा और सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ लिखी होगी, तो आप लोग यहाँ से पढ़ के जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप जाके मॉल से खरीद सकते हैं. वैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रोडक्ट्स आपको इसी ब्रांड के खरीदने के ज़रूरी नहीं है, कि समटाइम्स अलग अलग चेहरों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स सूट करती हैं. करेक्ट, ठीक है. पता नहीं अगर आप लोग को मेरी उर्दू समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी अच्छी उर्दू बोल सकती हूँ बोलती हूँ. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और हाँ, ये मत भूलना इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो शुरुआत हम हमारे आँख का मेकअप के साथ करेंगे. एंड फॉर हमारा आई मेकअप, आई डोंट नो व्हाई, क्यों मैं कैमरे के सामने जब बैठती हूँ तो मेरी उर्दू ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है. तो हम पहले शुरुआत करेंगे हमारे आँख के मेकअप के साथ, क्योंकि यूजली जब आई का मेकअप मैसी होता है तो सारे फॉलोअप्स वगैरह नीचे गिरते हैं. और अगर आपके पास पाउडर नहीं है जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है जो कैच करता है उसको, तो फिर सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा. तो इसलिए हम पहले आँख के साथ शुरुआत करेंगे और फिर बाकी सारा मेकअप करेंगे. तो शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ आई प्राइमर ले रही हूँ और अपनी आँख पर लगा रही हूँ, सिर्फ मेरे लिड पर और आईब्रोज के नीचे, दोनों आँख पर. अब मैं मेरा स्मैश बॉक्स कंसीलर ले रही हूँ और अपने लिड्स पे थोड़ा लगा रही हूँ और लिड्स के नीचे. मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा हुदा ब्यूटी स्मोकी ऑब्सेशंस पैलेट. तो पहले मैं शुरू कर रही हूँ सबसे लाइटेस्ट कलर के साथ. तो सबसे लाइटेस्ट कलर मेरा ये वाला है जो थोड़ा सा टोपी ब्राउन है, वेरी लाइक लाइट क्रीम की तरह. और वो मैं ले रही हूँ और अपने सारे लिड पे वो कलर लगाऊंगी ताकि सारा लिड एक कलर का हो जाए. अब मैं थोड़ा सा डार्कर कलर यूज कर रही हूँ जो है ये ब्राउनिश, लाइक अ ग्रेइश ब्राउन कलर, और वो मैं मेरे क्रीज में लगा रही हूँ एंड उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी क्रीज थोड़ी सी डार्कर लगे और फिर मेरे आंख जरा से बड़े लगे. अब मैं ये हल्का सा गोल्ड ले रही हूँ और वो मैं आंख के बीच में लगाऊंगी या बिल्कुल सेंटर में. और उसके साथ साथ ये वाला जो हल्का सा पिंकिश क्रीम है ना, तो वो मेरे आईब्रो के नीचे हाइलाइटर की तरह और फिर अंदर इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर की तरह लगाऊंगी. आई शैडोज को आप जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा लगेगा. ओके, आई शैडो के बाद हम आई लाइनर लगाएंगे, पहले आंख के अंदर और फिर आंख के ऊपर. रंग दिया मैनूर तो प्यार वालिया तेरे बाजो जीने लगदा, तेरे बाजो जीने लगदा मैं ते मर गया. आई लाइनर के बाद हम लगाएंगे मस्कारा एंड मस्कारा के बाद फिर हम लगाएंगे हमारे फॉल्स लैशेस.
तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि नकली पलके लगते हैं कैसे, तो उसके लिए आपको आपके पलके चाहिए जो नकली वाले हैं ना, फॉल्स लैशेस, और फिर आपका फॉल्स लैश ग्लू। तो पहले आप ग्लू आपके पलके लैशेस पे आप ग्लू लगाएंगे। कुछ 15-20 सेकेंड आप इसको थोड़ा सा ड्राई करें और वेट करें। जब ये स्टिकी स्टिकी हो जाएगा ना, तो फिर जब आप आपकी लैशेस अप्लाई करें, ओ कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, ओ कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। ओके, तो अब लैशेस लगने के बाद हमारा आई मेकअप फाइनली फिनिश हो गया। तो फिर अब हम शुरू करने वाले हमारे बेस के मेकअप पे, यानी कि हमारा बेस। तो बेस के लिए हम लेंगे हमारा प्राइमर, फेस प्राइमर, और हम फेस प्राइमर लगाएंगे। ये फेस प्राइमर लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी आपके पोर्स है या आपके स्किन में जो भी यू नो इम्परफेक्शंस है, वो फेस प्राइमर एक बेस की तरह बनाता है, जैसे कि कैनवस होता है ना पेंटिंग के लिए। तो हम हमारे चेहरे को पेंट करेंगे। बाज लोग कंसीलर पहले लगाते हैं और फिर फाउंडेशन, एंड बाज लगाते हैं फाउंडेशन पहले एंड देन कंसीलर। मुझे फाउंडेशन पहले एंड देन कंसीलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो करूँगी, अपने चेहरे पे लगाऊँगी अपने फाउंडेशन ब्रश के साथ। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है, पर अभी के लिए ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मेरा फाउंडेशन मेरे स्किन के लिए थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्योंकि हम अभी अभी पाकिस्तान से वापस आए हैं, और पाकिस्तान में मुझे काफ़ी टैन हो गया था, और वापस आकर अभी मुझे फाउंडेशन नया वाला ख़रीदने का मौका नहीं मिला, तो पुराना वाला लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा लाइट लग रहा है। बट दैट्स ओके क्योंकि हम अपना कॉन्टूरिंग से थोड़ा कलर वापस ला लेंगे, बैक टू नॉर्मल सी। मेरा कंसीलर मैं ले रही हूँ और आंख के नीचे और कोई प्रॉब्लम एरिया पे लगा रही हूँ। ब्रेक मार मार टायर दी मैं चीख कर दा, सारे लोग की तक दे वे की हो गया, लगदा है आज मेरा दिल रुक गया, उन मैं पूछदा गड्डी सडी पे। तो मेरा फाउंडेशन काफी लाइट है कंपेयर टू माय स्किन कलर, एंड उसके लिए हम कंटूरिंग करेंगे एंड आल्सो ब्रॉन्ज करेंगे। तो राइट नाउ मैं अपना क्रीम कंटूर ले रही हूं एंड cheekbones ko contour kar rahi hu phir tu meri tu mera amplifier hum contour karenge everything that hum thoda sa slim karna chahe to hamare bridge of the nose pe hum contour karenge thoda sa the temples mein karenge taki chehra thoda sa slimmer lage aur phir cheeks ko karenge taki cheeks thode se kam lage meri कंटूरिंग के बाद हम हमारा ब्रॉन्जर लेंगे। हम हमारा फाउंडेशन के कलर को थोड़ा सा डार्कर करेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन हमारा जो टैन है ना उसे मैच करे। ओके, थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग के बाद हम अपना ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर यूज करके हमारे आंख के नीचे और सारे क्रीसेस में सेट करेंगे। हाइलाइटर लगाने से पहले हम थोड़ा वक्त देंगे कि हमारा सेटिंग पाउडर थोड़ा सा हमारे स्किन में सेट हो जाए एंड सारा मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाए। तो इन द मीन टाइम हम हमारे आईब्राउज को फिल इन करेंगे क्योंकि हमारे आईब्राउज काफ़ी बुरे लग रहे हैं। आईब्राउज फिल करने के बाद हम वापस जाएंगे हमारे हाइलाइटर पैलेट में और हम हाइलाइटर लगाएंगे। अब हमारे फेस के बाद आखिरी रह गया हमारे लिप्स, और हमारे लिप्स के लिए हम हमेशा पहले लिप लाइनर यूज करते हैं और हमारे लिप्स को लाइन करते हैं, उसके बाद हम लिपस्टिक या फिर लिप स्टेन लगाते हैं। ये कभी मत भूलना कि लाइन किए बाद हमेशा अपने लिप्स को उसी लिप लाइनर से सारा कलर कर दें ताकि लिप सारा इवन हो जाए बिफोर लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले। ओके, अब हम हमारा लिक्विड लिपस्टिक यूज करेंगे एंड अप्लाई करेंगे।
एंड अब लिपस्टिक लगने के बाद ये है हमारा फाइनल लुक. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आज के लिए इतना ही है और फिर मैं आप सबको नेक्स्ट वीक मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन गाइस कीप स्माइलिंग एंड Urdu ya Hindi wale should have bought a new foundation ever since I got the tan. Why does this always happen? Why do I forget how to speak in Urdu sometimes? This is so annoying. The struggle is real, man. Apply karne ke liye. You're here to help me, not distract me. Look. The struggle is real, guys. Seriously, this is hard. I can make up. Kar rahi hu. Up. I'm mad. This is my mad face. This is what mad looks like. And I'm mad. Very mad. 3, 2, 1. Okay, Urdu time. I mean, seriously. Raheem, I'm recording now. Yeah, your emoji drinks alcohol. That's matter of Raheem. I don't know. I'm trying, guys. Why is it that my Urdu's fine up until the time this camera comes in front of my face and then I can't even figure out how to say certain easy words?